जय हिंद दोस्तों, आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार के सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, हम लोग 547 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 548 से आगे बढ़ेंगे और 548 नंबर प्रश्न पे चलने से पहले आप सभी मित्र जो भी अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए हम करने के लिए कहते हैं क्योंकि चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। अगर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे और 1000 सब्सक्राइबर चैनल पे पहुंचने बहुत आवश्यक हैं। तो इसलिए हम आपसे बार बार अनुरोध करते हैं कि आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप सभी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग चलते हैं 548 नंबर प्रश्न की ओर। 548 नंबर प्रश्न पे चलने से पहले आप अभी तक जब तक हम 548 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए 548 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है और कह रहा है कि डैश डैश के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंबुक के रूप में देखते हैं। तो कह रहा है किस कलाकार की चित्रों में इस तरीके से दिखाई देता है। तो ए रामचंद्रन के चित्रों में इस तरीके के चित्र दिखाई देते हैं। ये केरल के कलाकार हैं, केरल में जन्म हुए कलाकार हैं ए रामचंद्रन। इनकी एक प्रमुख कृति है ययाति। ययाति इनकी एक प्रमुख कृति है, ठीक है। चलिए 549 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 549 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। कह रहा है कि उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ी मुक्त चीज़ें जैसे कि इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता था। विमान सुंदरम के बारे में कहा जा रहा है। तो विमान सुंदरम इंजन ऑयल के धब्बे वाले हैंडमेड कागज़ का उपयोग किया करते थे। विमान सुंदरम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग देख लीजिए। विमान सुंदरम इनका जन्म 1943 ईस्वी में हुआ था और ये रिश्ते में अमृता शेरगिल के बहन इंदिरा शेरगिल के लड़के हैं, विमान सुंदरम। और आप सभी को पता होगा अमृता शेरगिल का जो मृत्यु हुई थी वो 1941 ईस्वी में हुआ था। तो इनके 2 वर्ष बाद इनकी इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? जहाँ पे इनका आवास था, शिमला में। शिमला में ही अमृता शेरगिल रहा करती थी तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। शिमला में इनका जन्म हुआ था, विमान सुंदरम का, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे इंजन ऑयल के हैंडमेड पेपर में काम करने वाले कलाकार कौन है? विमान सुंदरम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 550 नंबर प्रश्न। तो 550 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने कह रहा है ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है? प्रकृति चित्र का नाम है, रचनाकार है SH रजा, सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा साहब बॉम्बे पैग के सदस्य रहे हैं, बॉम्बे पैग के संस्थापक सदस्य रहे हैं 1947 वाले पैग के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 551 नंबर प्रश्न की ओर चलें। 551 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और प्रश्न कह रहा है बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे देखिए एक नाम दिख रहा है दिलीप दास गुप्ता। दूसरा नाम अगर आपको यहाँ पे दिख जाता उनका नाम देखिए राम से करके है, राम कुमार। तो राम कुमार साहब भी बनारस श्रृंखला के चित्रकार हैं। ये राम कुमार अमूर्त दृश्य चित्रकार हैं, अमूर्त दृश्य चित्रकार हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिलीप दास गुप्ता साहब के बारे में कहा जा रहा है, इन्होंने भी बनारस श्रृंखला के चित्र बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। 552 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 552 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने कह रहा है छापा कलाकार को पहचानिए, इनमें से छापा कलाकार कौन है? तो दीपक बनर्जी ये बंगाल के कलाकार हैं, दीपक बनर्जी बंगाल के कलाकार हैं और ये छापा कलाकार हैं। और कुछ छापा कलाकार हैं जैसे कि कृष्णा रेड्डी ये भी छापा कलाकार हैं, आंध्र प्रदेश के कलाकार हैं कृष्णा रेड्डी। 553 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 553 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है लेकिन
साफ नहीं है। कह रहा है कि वास चित्र शैली कहाँ से संबंधित है। अच्छा, वास चित्र शैली से संबंधित कलाकार कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद वास चित्र शैली से संबंधित कलाकार है। अगर कहा जाए वास चित्र शैली के जनक भारत में कौन है, तो वास चित्र शैली के भारत में जनक हैं अवनींद्र बाबू, अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने कहाँ से सीखा हुआ था? तो इन्हीं के द्वारा स्थापित है बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल के संस्थापक हैं अवनींद्र कुमार। इन्होंने कहाँ से सीखा? तो जापान गए हुए थे और जापान से ही इन्होंने सीखा। वास चित्र शैली जापान की ही शैली है। जापान और चीन में इसके माध्यम से चित्र बनाए जाते हैं। तो वास चित्र शैली बंगाल शैली से ही संबंधित है। चलिए, तो राजेंद्र प्रसाद वास चित्र शैली से चित्रकारी किया करते थे। अभी यहाँ पे देख लीजिए, ये भारत माता का चित्रण इन्होंने किया था, अवनींद्र टैगोर, 1905 ईस्वी में, जब भारत विभाजन हुआ था, मतलब कि बंगाल विभाजन हुआ था। अगले प्रश्न 554 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 554 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने। कह रहा है कि सांवरी वास चित्र किस कलाकार की रचना है? सांवरी को बनाया है सांवरी को बनाया है बद्रीनाथ आर्य, बीएन आर्य ने सांवरी को बनाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 555 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अकादमिक शैली के चित्रकार कौन है? तो नित्यानंद महापात्र अकादमिक शैली के कलाकार हैं, सॉरी सुखबीर सिंघल अकादमिक शैली के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ महक रहा है, पॉलीथीन टाइप का, इसीलिए। तो चलिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अकादमिक शैली के कलाकार सुखबीर सिंघल साहब हैं। 556 नंबर का प्रश्न कह रहा है, ययाति चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ए रामचंद्रन की श्रृंखला है ययाति। ययाति 60x7 फीट में बना हुआ है। 557 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया था? इसे बनाया था एम एफ हुसैन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग एम एफ हुसैन साहब के बारे में देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम एफ हुसैन। देखिए, थोड़ा सा एम एफ हुसैन साहब के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एम एफ हुसैन भारतीय चित्रकला के, आधुनिक चित्रकला के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक हैं। तो इसीलिए इनके बारे में बार बार देख लिया जाता है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इनका जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था, महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था 1915 ईस्वी में। अब इनकी मृत्यु हुई थी 2011 ईस्वी में। डेट शायद नहीं पूछता, 9 जून को हुई थी, याद रखिएगा। लंदन में हुई थी ये पूछ लेता है, लंदन में। ठीक है, और ये तो इनके जन्म से संबंधित बातें हो गई। और ये चित्रकार थे, फिल्म निर्माता थे, और चित्रकारी में ये फिल्मों के पोस्टर बनाते थे, बात यह है कि 1936 ईस्वी की बात है, जब ये इंदौर से पढ़ के गए थे, इंदौर में दत्तात्रेय साहब के से पढ़ के गए थे, DDD हम इनको कहते हैं, देवलालिकर साहब से ये पढ़ के गए थे। 1936 ईस्वी में ये फिल्मों के पोस्टर बनाने शुरू कर दिए थे। थोड़ा सा इनका आर्थिक बैकग्राउंड सही नहीं था, तो पैसे के चक्कर में ये फिल्मों
फिल्मों के पोस्टर बनाने लगे थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिल्मों में टच होते रहे और इन्होंने चित्रकारी में घोड़ों के चित्र बहुत बनाए, घोड़ों के चित्र इन्होंने खूब बनाए, घोड़े के चित्र बनाते थे और ये कहा करते थे, मैं घोड़े बेचता हूँ। घोड़े के चित्र बनाते थे और घोड़े बेचते भी थे और ये कहते थे, मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। देखिए, हम बार बार एम एफ हुसैन साहब के बारे में इसलिए बताते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनसे एक दो प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, तो इसलिए बार बार बताते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं तो थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, ये फिल्में बनाते थे, कहते हैं कि मैं घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। और इनके कुछ प्रमुख फिल्में हैं, कुछ फिल्में हैं, उनमें एक दो का नाम आप ज़रूर याद रखिए, जैसे हो गया मीनाक्षी, मीनाक्षी, दूसरा हो गया गजगामिनी, और तीसरा हो गया थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर, थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर। और देखिए, इन्होंने 12 फिल्में बनाई थी और 1982 के पहले इन्होंने 12 फिल्में बनाई थी। ये जो फिल्म है थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर, इसको इनको बर्लिन में एक फेस्टिवल हुआ था, बर्लिन में, बर्लिन के फिल्म फेस्टिवल में, फिल्म फेस्टिवल में इनको द गोल्डन बियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये देखिए, चित्रकारों में थोड़ा सा विवादित चित्रकार थे, विवादित चित्रकार। कैसे ही विवादित चित्रकार थे, इन्होंने कई नग्न चित्र बनाए, विवादित चित्रकार थे। अब देखिए, इनके विवाद के पीछे कारण एक ये था कि ये देवी देवताओं के, हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाते थे, हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाते थे। किन किन देवी देवताओं के इन्होंने बनाए, एक तो हो गए सरस्वती, दूसरी हो गई दुर्गा। यहाँ तक तो ठीक था, इन्होंने भारत माता के भी नग्न चित्र बनाए, भारत माता का नग्न चित्र बनाया, ठीक। और देखिए, व्यक्ति चित्रकारी में इन्होंने व्यक्ति चित्रकारी भी किया, किसका किसका किया, एक तो ये बहुत बड़े फैन थे माधुरी दीक्षित के, माधुरी दीक्षित के बहुत बड़े फैन थे, तो इसके माधुरी दीक्षित के इन्होंने चित्र बनाए। और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चित्र बनाए, इंदिरा गांधी के इन्होंने चित्र बनाए, इंदिरा गांधी के चित्र इन्होंने आपातकाल के समय में बनाया था, आपातकाल के समय में, और इंदिरा गांधी को इन्होंने देवी के रूप में प्रदर्शित किया था। तो ये सारी बातें तो देखिए क्या नाम है कि एम एफ हुसैन साहब के बारे में थी। और अगर आगे आपको ज़्यादा जानकारी के लिए इसके पहले के वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, जब इनके बारे में हमने विस्तार से बताया था, तो वहाँ पे आप जाके इनके बारे में विस्तार से देख सकते हैं। तो चलिए, 558 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से चित्र के हैबर के द्वारा बनाया गया। तो कांटेगीर कृष्ण हैबर इनका पूरा नाम है और इन्होंने मुर्गे की लड़ाई चित्र बनाया है, ये इनका शायद सबसे प्रमुख चित्र है, के हैबर का। के हैबर साहब का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में, कहाँ पे, कर्नाटक में, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चले, 559 नंबर प्रश्न,
कह रहा है कि आनंद कुमार स्वामी, कुमार स्वामी का नाम है, आनंद कुमार स्वामी के बारे में कह रहा है। तो आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं कहाँ पे दी हुई थी, थोड़ा सा आनंद कुमार स्वामी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आनंद कुमार स्वामी, देखिए आनंद कुमार स्वामी पहली बात तो ये कला इतिहासकार थे, कला इतिहासकार थे, और दूसरी बात ये क्यूरेटर थे। क्यूरेटर, क्यूरेटर का अर्थ होता है जो चित्र के संरक्षक होते हैं, संरक्षक, उसे क्यूरेटर कहते हैं। और अब देखिए आनंद कुमार स्वामी का जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था कोलंबो में, कोलंबो में श्रीलंका में, कोलंबो श्रीलंका में। कब हुआ था? 1877 ईस्वी में। जन्म का समय थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में क्रोनोलॉजी करके कालक्रम में पूछ लेता है, तो क्रोनोलॉजी में ये सारी चीज़ें तो काम आती ही हैं, और साथ ही साथ कभी तो डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अगर ये सभी चीज़ें याद रहेंगी तो बड़ा लाभ होता है इन सब चीज़ों का। तो आनंद कुमार स्वामी, अच्छा आनंद कुमार स्वामी कहाँ पे थे ये? आनंद कुमार स्वामी ये क्यूरेटर कहाँ पे थे? क्यूरेटर कहाँ पे थे? तो एक बोस्टन संग्रहालय है, बोस्टन संग्रहालय है, म्यूजियम ये है यूएसए में, अमेरिका में है, वहीं पे इन्होंने काम किया था। और 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 569 नंबर प्रश्न कह रहा है इनके बारे में, कहाँ पे ये क्यूरेटर थे? तो बोस्टन संग्रहालय में ये क्यूरेटर के रूप में थे। 560 नंबर प्रश्न के और चल रहे हैं, तो 560 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और 560 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में कलर विस्कोसिटी को किसने प्रचलित किया? तो कृष्णा रेड्डी, कृष्णा रेड्डी साहब ये आंध्र प्रदेश के कलाकार हैं और 1925 ईस्वी में जन्मे कलाकार हैं। और 1925 ईस्वी में तो देखिए कई कलाकार जन्म लिए हैं, जैसे कि कुछ कलाकारों के नाम हम आपको बता दे रहे हैं। 1925 ईस्वी में जन्मे कलाकार, जैसे कि सबसे पहले नाम आप याद रखिए सतीश गुजराल का, सतीश गुजराल बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, स्थापत्यकार भी हैं और म्यूरल पेंटर भी हैं। तो इंद्र कुमार, पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के ये भाई। दूसरे कलाकार आपके हो गए तैयब मेहता, तैयब मेहता। तीसरे कलाकार आपके हो गए कृष्णा रेड्डी, कृष्णा रेड्डी। और यही अगर 1924 की बात कर ली जाए तो आप एक कलाकार का नाम कभी मत भूलिएगा, और वो थे केसियस, नहीं केसियस नहीं, के जी सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम मण्यम, ठीक है। तो ये 1924 में प्रमुख कलाकार, और तो कई कलाकार हैं 1925 में, और कलाकार हैं 1924 में जन्मे और कलाकार हैं, ये प्रमुख थे। तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, 1924-25 में जन्मे कलाकार। तो कृष्णा रेड्डी साहब कलर विस्कोसिटी में काम किया करते थे। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? तो अभी हम लोगों ने देखा था एम एफ हुसैन साहब के बारे में, इन्होंने ही चित्रित किया था मदर टेरेसा के चित्र को। 562 नंबर प्रश्न कह रहा है किस चित्रकार ने आधक बिंदु को लेकर चित्रित किया? तो इन्होंने किया था बिंदु चित्रण, किसने किया था? तो वही पूछ लेता है सैयद हैदर रजा। एक बिंदु
बिंदी तकनीक ही है, बिंदी तकनीक ही है, तकनीकी है। तो ये NS बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे जो हैं वो इस पद्धति में चित्रित चित्रण किया करते थे, बिंदी तकनीक में NS बेंद्रे। तो सैयद हैदर रजा साहब बिंदु चित्रकारी किए हैं। सैयद हैदर रजा मध्य प्रदेश के कलाकार हैं, 1922 ईस्वी में जन्मे कलाकार हैं। और सैयद हैदर रजा साहब ये JJ स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े लिखे कलाकार हैं, ठीक है। JJ स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में, याद रखिएगा ये बातें। अच्छा, एक है तो आपका मद्रास कला विद्यालय, 1950 में, 1850 में इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता में एक विद्यालय है, 1854 में हुई थी। और JJ स्कूल ऑफ आर्ट जो मुंबई में है, 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तो कहाँ पे थे हम लोग? आधक बिंदु में किसने चित्रण किया? तो सैयद हैदर रजा साहब ने इसमें चित्रण किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 563 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक चित्रकार गुलाम रसूख संतोष, इनका पूरा नाम है गुलाम रसूख संतोष, जाने जाते हैं। ये आपके जम्मू कश्मीर के कलाकार हैं, गुलाम रसूख संतोष जम्मू कश्मीर के कलाकार हैं। इन्होंने तांत्रिक आधारित चित्रकारी की, यही एक कलाकार हैं जिन्होंने तांत्रिक आधार पर चित्रकारी किया, जिनके बारे में पूछा जाता है प्रश्नों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 564 नंबर प्रश्न, शांति निकेतन में मेडिवल हिंदू हिंदू सेंट्स नामक म्यूरल किसने चित्रित किया? तो विनोद बिहारी मुखर्जी साहब ने इसको चित्रित किया है, विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था और भारत के एकमात्र कलाकार अंधे कलाकार हैं। अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने चित्रकारी की। और इनकी एक लड़की है मृणालिनी मुखर्जी, मृणालिनी मुखर्जी, मृणालिनी मुखर्जी हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बंगाल में, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, जबकि इनकी लड़की का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में 1949 ईस्वी में। तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने ही इसको चित्रित किया। और बात है 1957 की, 1957 में इनके आंख का ऑपरेशन हुआ। पहले थोड़ा बहुत दिखता था इनको, लेकिन 1957 में इनके आंख का ऑपरेशन हुआ तब बिल्कुल अंधे हो गए ये। इनके एक शिष्य हैं सत्यजीत रे, उन्होंने इनके ऊपर फिल्म बनाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 565 नंबर प्रश्न, 565 नंबर प्रश्न में मैच करना है, और मैच द फॉलोइंग वाला है। तो इसमें देखिए कह रहा है पहले विवान सुंदरम, तो ये अधिष्ठापन कला मतलब मूर्ति कला, सॉरी स्थापत्य कला से संबंधित। और विमान वी दास मूर्ति कला से संबंधित हैं। तैयब मेहता संबंधित हैं चित्रकला से। एलेक्स पद्मसी, एक है अकबर पद्मसी, दूसरे है एलेक्स पद्मसी, ये विज्ञापन कला से संबंधित है। 566 नंबर प्रश्न कह रहा है सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो हमने बताया था 1936 ईस्वी में MF हुसैन चित्रकारी मतलब कि फिल्मों में पोस्टर बनाने लगे थे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और अगला प्रश्न कह रहा है 559 नंबर प्रश्न, और 559 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार को पहचानिए जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया, कामुकता को जिसने चित्रित किया, उस कलाकार के बारे में पूछ रहा है। तो लक्ष्मा गौड़ा साहब के बारे में बात कर रहा है। लक्ष्मा गौड़ा ऐसे कलाकार हैं जो कि ग्रामीण जीवन में कामुकता को प्रदर्शित करते थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 570 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाजों की स्मृति रिमेम्बर्स ऑफ वॉइस का निर्माण किया। वी रमेश ने इसको निर्माण किया, आवाजों की स्मृति रिमेम्बरेंस ऑफ वॉइस। अगला प्रश्न 571 नंबर का, कह रहा है कि चित्रकारों के बड़ौदा समूह की स्थापना किसने किया था। तो इसे किया था, बड़ौदा समूह की स्थापना नारायण श्रीधर बेंद्रे ने। एन एस बेंद्रे एक बड़ौदा में स्कूल है, एम एस विश्वविद्यालय, ठीक है, वहाँ पे ये शिक्षक के रूप में काम किए थे, डीन थे वहाँ के। 572 नंबर प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में पहचान करें बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला के निर्माता कौन है। तो एन एम रिमझान है जो बंदर और कंचन पेड़ के चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 573 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेरिमनी ऑन अनमॉक्सिंग कार्य पर इन चित्रकारों में किसने काम किया था। तो इस पे काम किया था अनुपम सूद। अनुपम सूद आपके पंजाब के कलाकार हैं, पंजाब में जन्मे कलाकार हैं। पंजाब के एक और बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं मनजीत बावा, मनजीत बावा, ठीक है। 574 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला को चित्रित किया। तैयब महतो हैं जिन्होंने काली श्रृंखला को चित्रित किया, और मैंने इनके बारे में बताया है कि ये गुजरात में जन्मे कलाकार हैं और 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने एक फिल्म बनाई है कुदाल या कुड़ाल कहते हैं, कहाँ पे, महाराष्ट्र के बांद्रा में, मुंबई के बांद्रा में एक बूचड़ खाने में इन्होंने इसको चित्र इस फिल्म को बनाया है कुड़ाल को। तो इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। हम इस मतलब चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद इस पूरे पीडीएफ को आपके टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे, और तो वहाँ पे आप जा कर के इस पूरे मतलब पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कुछ करिए ना करिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काम ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो मित्रगण हैं, सहयोगी हैं, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर आप करा दीजिए, ठीक है। तो फिर अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।